गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज है थर्सडे और मैं आज बहुत दिन बाद मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ। शायद मुझे देख के आप लोग को लग रहा होगा थोड़ी बहुत हालत खस्ती है मेरी। मैं क्या बताऊँ, मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। एक्चुअली परसों शाम को दूध रखा था मैंने उबलने के लिए और वो दूध ऐसे ऐसे करके ऊपर आने लगा और मैं उसको से फूकने गई और उसके दूध का जो बॉयल वाला पार्ट होता है वो मेरे इस आँख में चला गया। उसके बाद से मेरी आँख कंटिन्यू बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और पता नहीं क्यों तब से मैं बहुत ज़्यादा सो रही हूँ। आज भी मैं सो रही थी, मेरा एकदम मन नहीं था मॉर्निंग वॉक पे आने का, बट मैंने सोचा कि आलस छोड़ो और उठो, इसलिए मैं कल कोई ब्लॉग भी नहीं बना पाई। कल जो मैंने वीडियो डाला था वो पहले का था। तो ये थी मेरे साथ प्रॉब्लम। अभी भी सर एकदम नहीं पता मुझे आँख की वजह से सिर दर्द हो रहा है या फिर क्या है। और कल रात में तो इतना ज़्यादा मेरा सिर दर्द हो रहा था, आँख भी दर्द हो रहा था और दांत भी दर्द हो रहा था। एक्चुअली मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना कि जब भी मुझे सर्दी जुकाम होता है तो मेरा दांत ना इतना तेज वाला दर्द होता है कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से उनको पता है कि नहीं मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, क्यों है ये नहीं पता। एक बार तो डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर भी कन्फ्यूज किया है ये क्या है। तो मेरा कल रात में तीनों दर्द हो रहा था, दांत भी आँख भी सिर भी। मुझे नहीं पता चला किसकी वजह से क्या दर्द हो रहा है, कुछ नहीं समझ आता। तो मैं कल आराम से बस सो गई थी, ये था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती थी। बट मैंने सोचा यार कब तक ऐसे आ, तो फिर मैं आ गई स्टार्ट। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ, एक ही दो राउंड मारा, ज़्यादा राउंड नहीं मार पाई, एकदम मन नहीं कर रहा था। यहाँ आके बैठी हुई थी तो सोचा व्लॉग स्टार्ट ही कर दूँ। ये है मेरी बोरिंग सी स्टोरी। और आप लोग को पता है आजकल मैं क्या देख रही हूँ, टीवी वीवी का तो मुझे अब उतना शौक ही नहीं रहेगा। मैं आजकल कार्टून देख रही हूँ जो मैंने अपने बचपन में देखा था, सिम्बा वाला, लायन करके नाम भूल गई मैं उसका, मतलब शेर का नाम उसमें सिम्बा है, वही देख रही हूँ मैं आजकल। फिर उसके बाद भालू की स्टोरी आती थी वो देख रही हूँ। कल मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे मोगली लगा के दे दो, मैं मोगली देखूँगी। तो कहते हैं मोगली अकेले देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा, सैटरडे संडे को दोनों लोग साथ में देखेंगे। हम दोनों लोग बच्चे हैं, पता नहीं हमारी शादी क्यों हो गई, हमारे अंदर घर गृहस्थी जैसी कोई चीज़ नहीं है। बचपना कूट कूट के भरा है हम लोगों में, घर गृहस्थी कैसे संभलेगी हमारी बताओ। अरे यार सच में क्यों शादी हो गई इतनी जल्दी दोनों लोग की, हम लोग बच्चे हैं अभी भी, बच्चों वाली हरकतें करते रहते हैं, लगता ही नहीं कि कभी कभी क्या होता है जब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मतलब थोड़ा लगता है काम वाम है तो मन करता है सब छोड़ छाड़ के भागो, कहाँ क्या हो गया है, थक जाती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि कभी का कुछ किया नहीं है ना मैंने। मैं सबको सजेशन दूंगी यार कि शादी से पहले आप लोग हर एक चीज़ सीख लें, हर एक्सपीरियंस गेन कर लें, क्योंकि सडनली जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इंसान एकदम घबरा सा जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ है कि जब मैं यहाँ आई तो एक ही साथ सब कुछ करना, तो कभी कभी मन करता था कहीं भाग। जब अकेले रहती थी, वैसे हस्बैंड साथ में रहते तब तो कोई सोचने का टाइम नहीं मिलता, बट जब अकेले रहती थी तो मन करता था कहीं भाग जाऊँ, एकदम दूर जाऊँ, कोई मुझे पहचाने ना। फिर मैं सोचती थी भाग के क्या करूँगी, घूम फिर के यहीं आऊँगी मैं। मम्मी से मैं बोलती थी तो मम्मी मुझे समझाती थी कहीं भी चली जाओ, प्रॉब्लम्स छोटी मोटी हर जगह होती हैं भाई। मम्मी का सहारा था तो कट रही। अभी भी कभी कभी जब हस्बैंड से मेरी लड़ाई होती है तो मन करता है सबको छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, उनसे कहती भाग जाऊंगी मैं, कहते कहाँ भागूंगी मैं, कहीं भाग जाऊंगी मैं, थोड़ा पागलपन करती रहती हूँ, यही है जिंदगी। कभी कभी लगता है शादी करके फंस गई यार, अच्छी खासी थी कमारी, बट कभी कभी लगता है नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, शादी करनी चाहिए। वैसे शादी अच्छी चीज़ है, हस्बैंड अगर अच्छा मिले तो शादी अच्छी चीज़ है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो टेंशन होता है, टेंशन होता है तो इतना तो होता ही है, बट अगर हस्बैंड अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। और हाँ, दिया चौधरी हैं मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, उनसे मुझे बात करना था। वो मुझे कमेंट करती है कि दी समर के सॉक्स का कलेक्शन दिखाइए और बताइए कैसे वियर करते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करें। तो डियर मैं एक्चुअली इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई सॉक्स है नहीं। मैं अभी पुणे में 3 महीने हुए मुझे यहाँ पे आए हुए, जिसमें से 2 महीने से तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही। आप मेरे व्लॉग देखती होंगी तो आपको पता होगा कि मुझे फीवर लगभग 1.5 महीने से कंटिन्यू था, प्लेटलेट्स कम हो गए थे, तो मैं कहीं बाहर जा भी नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेके ही नहीं जाते, कहते तबीयत ख़राब है अभी मत जाइए।
तो समर कलेक्शन के सॉक्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। जैसे ही मेरे पास आएगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ये था रीज़न जो मैं नहीं बना पा रही थी। तो यही आपसे बताना था कि अभी मेरे पास कलेक्शन ही नहीं है। मैं अभी मेरे घर में, मेरा घर भी ऐसे ही, अभी कुछ भी डेकोरेशन नहीं है उसमें। बस नॉर्मल सी चीज़ें जो यूज़फुल की है वो है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे सब सेट होगा वैसे वैसे ही हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि एक ही साथ सब चीज़ हम नहीं खरीद सकते। तो अगर कभी पॉसिबल हुआ मैं बाहर गई मार्केट, और पता है आपको यहाँ पे आसपास में कोई उतना अच्छा मार्केट भी नहीं है। आसपास होटल है, खाने की चीज़ें हैं, बट शॉपिंग की चीज़ों के लिए दूर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं यहाँ से ख़रीद भी नहीं सकती हूँ। तो ये एक रीज़न है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी सॉक्स के ऊपर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी मेरे पास आएगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। यही आपसे बोलना था। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बोलने का नहीं बोल पा रही थी, इसलिए सॉरी। जब भी आएगा तो मैं पक्का बनाऊंगी। तो वो आज नाश्ते में बनने जा रहा है पोहा। चलिए दिखाते हैं कैसे बनाती हूँ मैं पोहा। वैसे तो सबको पता होगा कैसे बनता है पोहा, बट फिर भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल रखा है, भुना हुआ मूंगफली। मैं पहले मूंगफली भून ली हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरा और राई का तड़का डाली, उसके बाद फिर प्याज और मिर्चा डाला है। इसको मैं रेड होने तक भूनूंगी, उसके बाद में इसमें टमाटर डालूंगी। तो इसको रेड होने के बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। ये मैंने टमाटर डालने के बाद इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला डाला था, ये सास माँ की रेसिपी है। फिर उसके बाद मैंने मसालों को फ्राई किया था टमाटर के साथ। फिर वहाँ पर चूड़ा डाल दूँ, सॉरी मैं कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं भूल गई थी। तो आप डायरेक्ट देखिएगा। अभी मैं इसमें मूंगफली भी डालूंगी, मिलती हूँ आपसे बनाने के बाद। और यार हल्दी डालना भूल गई हूँ मैं, प्लीज़ कलर दूसरा आएगा तब माइंड मत करना। यार मैं हल्दी डालना भूल गई, मुझे एकदम से याद ही नहीं था, तो प्लीज़ माइंड मत करना। पता नहीं कैसे स्किप हो गया हल्दी डालना। तो बिना हल्दी का मैं दिखाती हूँ मेरा पोहा, प्लीज़ माइंड मत करना, प्लीज़। फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं हल्दी डालना पोहा में पता नहीं कैसे भूल गई, जब चूड़ा डाला तो मुझे याद आया हल्दी तो मैं भूल गई, बट बाद में डालती तो वो कच्ची रह जाती, इसलिए मैं बाद में भी नहीं डाल पाई। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा, वैसे पोहा अच्छा बना था, बस हल्दी की कमी थी उसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ब्लॉग लंबा नहीं कर पा रही क्योंकि मेरे को मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं लग रही है, सर एकदम भारी भारी सा लग रहा है। तो प्लीज़ कॉपरेट करिए आप लोग भी मेरे साथ। आई होप आज ठीक हो जाएगा, आँख अभी ठीक है, आँख में उतना कुछ नहीं हो, लेकिन ये दोनों साइड से भारी भारी सा लग रहा है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्या था कितना आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, मैंने अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखी है। और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो वीडियो को, खुश रहो।